एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे जो पंजाब वैक्स बोर्ड में जो रिक्रूटमेंट निकली थी 2020 में, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2007, जो 2207 जो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था, उसके जो फॉर्म थे वो भरे जा चुके थे, उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आपके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, कब कब आपको जाना है। ऐसी मोर एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलो हम देखते हैं। तो इसकी अगर बात की जाए तो फॉर्म 31 अगस्त से 24 सितंबर तक भरे गए थे। तो इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो 9 और 10 नवंबर को इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो इसके एडमिट कार्ड है वो 2 नवंबर को जारी कर दिए जाएंगे, और जो इसकी अंशवर की है वो आपको 11 नवंबर को मिलेगी, जो अंशवर की आएगी आपकी, और जो इसका रिटर्न का रिजल्ट हो 24 नवंबर को घोषित कर दिया जाएगा, और ऑब्जेक्शन है जो रिजल्ट पर वो 24 से 25 नवंबर तक लिए जाएंगे, और मेरिट लिस्ट है जो 30 नवंबर को लगेगी। जो अगर इसमें वैकेंसी में बात की जाए तो इसमें टोटल वैकेंसी 173 थी, आप यहाँ पर देख सकते हो जिस भी फॉर्म के लिए आपने अप्लाई किया है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ 2 नवंबर से अपने एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर सकते हो। इसमें पूरी डिटेल दी हुई, यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी कि कब इसके एग्ज़ाम डेट है, क्या इसके आंसर की कब आएगी और कब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। ऐसी ही मोर एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।